हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप क्या बहुत बढ़िया हो गए। तो गाइस, आज का ब्लॉग आपको डिफरेंट लग रहा होगा गंदे, क्योंकि क्योंकि तो हे गाइस, मेरी ना सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले मैं बालकनी के दरवाजे को ओपन कर देती हूँ, सारे पर्दे साइड कर देती हूँ, ताकि जो सुबह की जो हवाएं हैं ना ठंडी ठंडी, वो सीधे घर में आए। और बोलते हैं ना कि सुबह की जो हवा होती है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ठंडी ठंडी सी लगती है। उसके बाद से मैं फटाफट से ना अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ना बोलते हैं कि सुबह की झाड़ू एक बार हमें लगा लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास पूरा टाइम है, तो मैं इसे अच्छे से लगा ली थी ताकि मुझे दोबारा ना लगाना पड़े। तो ये जो टाइम है ना, ये 6:30 बजे का टाइम है। और उसके बाद से ना गाइज, मैं फटाफट से ना सारे बालकनी में मैंने डाल दिया पानी, और 6:30 बजे इतनी तेज़ धूप आ गई, आप देख सकते हैं। उसके बाद से गाइज, मैं आ गई सीधे अपने किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ घिया की सब्ज़ी। तो घिया की सब्ज़ी मेरी साइड में बन के तैयार हो गई थी, और फटाफट से मैं रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि अभी बेबी सो रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी सो रहा है ना, तब तक मैं बना लेती हूँ, वरना अगर उठ गया ना तो बैंड बजा देगा। तो लीजिए गाइस, किचन से निपटारा होने के बाद सीधे मैं आ गई बेबी को रेडी करने के लिए। तो ये जो टाइम था ना, ये 8:30 बजे का टाइम था। तो किचन का सारा काम मैं निपटा के इसको रेडी करती हूँ, नहला के उसके बाद से जो भी बाकी के काम होते हैं ना, उससे मैं पोछा वगैरह होता है उससे निपटाती हूँ। तो बेबी चला गया है स्कूल, हस्बैंड उसे छोड़ के उधर से ही वो ऑफिस के लिए निकल गया। इधर मैं कर रही हूँ ना सोफ़ा की क्लीनिंग, बस सामान लेने नहीं होता है हमें, उसे अच्छे से केयर भी करना होता है, ताकि ना मतलब साफ़ सुथरा लगे। तो बस हम कुछ ही सामान ले लें, उसे साफ़ सुथरा ना करें तो फिर फ़ायदा ही क्या होगा। तो ये ना मेरी रोज़ की ड्यूटी होती है, अगर साफ़ ना करूँ ना तो बहुत ज़्यादा ना गंदा गंदा हो जाता है। तो बस इसे मैं कर रही हूँ अच्छे से क्लीन, तो फ़ायदा ही क्या, एक बार क्लीन करूँगी फिर दोबारा ही करना पड़ेगा, क्योंकि बेबी आएगा ना इस पर कुछ ना कुछ गिरा देता है, फिर मुझे दोबारा करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, सुबह एक बार मैंने अच्छे से इसे क्लीन कर देती हूँ। तो गाइज ना, अभी मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, और अभी बज रहे हैं 10:10 बजे, सारा काम हो गया है। तो अभी मैं चढ़ाई हूँ दूध बॉयल होने के लिए, क्योंकि जो दूध है ना मेरा थोड़ा सा लेट आता है, और दूध के साथ साथ ना मैं कपड़े भी अपने वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कपड़े हो गए थे। तो अभी मेरे कपड़े हो रहे हैं वॉश, और कुछ कपड़े हैं तो वो भी थोड़े बहुत हैं, तो उसे भी मैं वॉश कर ही लूँगी। और इधर हो रहा है मेरा दूध गर्म, और साथ में मेरी सब्ज़ी भी गर्म हो रही है। तो आज मैंने बनाई है घिया की सब्ज़ी, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कट करते हुए, तो इसे मैं भी कर रही हूँ गर्म। साथ में मैंने बनाई है रोटियाँ नाश्ते में। तो अभी मैंने लंच वगैरह नहीं बनाया है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 10, तो 10 बजे लंच नहीं बनाऊँगी, बनाऊँगी मैं 11:30 बजे से स्टार्ट करूँगी लंच बनाना। तो आज लंच में बनाऊंगी दाल और चावल। तो पूजा वगैरह हो गई है मेरी कंप्लीट, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, बेबी भी स्कूल चला गया है। कल तो स्कूल नहीं गया था, कल दादी घर से आया ना, तो फिर काफ़ी लेट हो गया था। हम 8:30 बजे सो के उठे, तो फिर हम कल बेबी को स्कूल लेके गए नहीं। फिर कल सारा कपड़े उपड़े जो भी थे ना, सारे मैंने अच्छे से वॉश किए, धुले और उसे रख दिए बैग में अच्छे से। और उसके बाद से फिर आज फिर जो बोलो ना कि चलो कोई नहीं आज स्कूल जाएगा, क्योंकि फिर 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी, तो थकावट ना हो जाती है थोड़ा, इधर उधर जाने से ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो इधर हो गया मेरा बेडरूम भी सही, क्योंकि मेरा बेडरूम तो हमेशा ही सही रहता है ये वाला। तो बस चलते हैं नाश्ता वगैरह करते हैं, क्योंकि 10 बज गया है, काफ़ी लेट हो गया है। तो अभी तो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ अपने बेबी को लेने के लिए स्कूल, क्योंकि टाइम हो रहा है 12:20। तो चलते हैं लेने, फटाफट से पहले लॉक करती हूँ मैं, आजकल ना मैं एक हाथ से ही लॉक कर देती हूँ। तो मैंने लॉक कर दिया है, अब चलते हैं, कि सामने वाले भाभी भी जाएंगे ना बेबी को लेने, मैं भी चलते साथ में भी चले जाते हैं, और लेकर आते हैं आराम से बात करते करते। तो चलते फटाफट से चलते। हाँ, आ रही हूँ, एक मिनट। तो गाइज, फाइनली हम निकल चुके हैं बेबी को लेने के लिए, और धूप इतना ज़्यादा है ना, तो भाभी भी जा रही है। भाभी हेलो कर दो। हेलो हेलो, चलते हैं, बस रोज़ का ड्यूटी है हमारा, बस बच्चों को लाना। और ये तो इनको तो 2 चक्कर लग जाता है, मुझे तो बस एक ही चक्कर में आ जाता है। 4 चक्कर लगाना, 4 चक्कर लगता है आपको? मेरा तो एक ही चक्कर है बस, कभी कभी ऐसा समय आएगा 2 चक्कर ही लगाना पड़ेगा। तो चलिए लाते हैं बच्चों को, काफ़ी धूप है। हेलो गाइज,
बोल दो इनको गोदी ही जाना है। इधर देखिए इसको ये पैदल जा रहा है, लेकिन इनको गोदी जाना है मम्मा के साथ। पराठा खाया आपने? क्यों? ये डेली मैं इसको पराठे बना के देती हूँ, रोटी डेली नहीं खाता है। पैदल चले, पैदल पैदल चले, थोड़ा सा पैदल चलता है। मम्मा हार जाएगी, मम्मा बॉटल भी ली है ना, चल गुड बॉय की तरह। तो गाइस ये आ गए हैं स्कूल से और इधर ये भी बैठे हुए हैं। इनको मिला है होमवर्क। क्या मिला आपको होमवर्क? आप देखो तो। क्या देखो तुम? खोल के दिखाओ, आप दिखाओ ना आपको क्या होमवर्क मिला है, दिखाओ। ओपन करो। अरे जादू जादू नहीं हो रहा है। जादू जादू नहीं हो रहा है? जादू क्यों करो, दिखाओ वो मुझे क्या उनको होमवर्क मिला है। तो देखते हैं कि इनको आज क्या होमवर्क मिला है। तो क्योंकि ना स्कूल से आने के बाद सबसे पहले इनको मैं कुछ नाश्ता वगैरह कराती हूँ, और इस लड़के को मैं रोज पराठे इतनी मेहनत से बना के देती हूँ, लेकिन ये जो है ना ये छोटा उनको बिल्कुल नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। क्यों नहीं खाता है? पिटाई करूँ? पिटाई करूँ? मेरे पापा आ जाएंगे। पापा आ जाएंगे? पापा क्या करेंगे? पापा मुझे मारेंगे। कह रहा है पापा मुझे मारेंगे। इस लड़के को मैं रोज़ पराठे बना के देती हूँ मेहनत से, लेकिन ये बिल्कुल नहीं खाता, फेंक देता है सारा सारा का सारा फेंक देता है। तो इसे ये किट्टू है ना, बहुत आज भी मिला आपको? नहीं नहीं, ओहो आपके तो सारे बुक, ये देखिए सारे के सारे इसमें, ये देखिए सारा का सारा इसमें स्पेस कैच कर दिया है। तो मैम ने लिखा है प्लीज़ सेंड पैटर्न बुक टुमारो, यानी कि इसमें इनको सेम इसमें का हमको बुक लेना पड़ेगा, मतलब इसमें ड्राइंग करने वाला। तो चलिए आज तो मामा देखो तो। अरे कुछ नहीं मिला आपको, ये देखो तो आप, आपको कुछ नहीं मिला, आपने सारी स्केचिंग कर दी है इस पर, आपको कुछ मिला ही नहीं है। आप अब शाम को चलेंगे बुक्स लेकर आएंगे ना, फिर कुछ से बनाएंगे। तो चलो रख दो इसे बैग में, इनका तो होमवर्क आज नहीं होगा क्योंकि आज इनको मिला ही नहीं है, सारे स्केच कर दिया इसने, सारे के सारे स्केच ही कर दिया है। तो चलिए अभी समय हो रहा है एक बज गया है। तो अभी हम देखेंगे एक से दो बजे तक वीडियो बना रही हूँ बेटा। देखो इसको पहले खोलो, इसको खोलो, ये कैसे खुलता है? अरे अरे पागली, ये कैची खुलता है, कैची कैची से खुलता है, अभी खोल दूंगी। तो एक से चलिए इनका खोल दो पहले किंडो जो है। तो एक से दो बजे तक मैं देखूंगी टीवी, और टीवी देखूंगी उसके बाद फिर हम दो बजे से लेके और चार बजे तक फिर हम सो जाएंगे, दो घंटे का टाइम है। तो चलिए टीवी वगैरह देखते, खोलती हूँ मैं टीवी ऑन कर लेते हैं अच्छे से। तो चलिए गाइस फिर सो के उठेंगे, एक बज गया है और थोड़ा मेरा रेस्ट करने का भी टाइम है, सुबह 6:30 बजे से लेके पूरी 10 बजे तक। तो गाइज इस ब्लॉग को ना हम यही पेंट करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ब्लॉग पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, फिर ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।